बॉम्बे वाले के पास मौजूद है चाय वाला, जैसे कि अरशद चाय वाला मशहूर हुआ आजाद चाय वाला, तो आज भी हम एक चाय वाले के पास मौजूद है, उसने इस ढाबे से कार्ड लिया था। ये ढाबा है इधर, ये कुछ बोतलें इसने रखी हुई थी और ये कुछ पेंचर वगैरह का सामान रखा हुआ था, और आज इसने एक चाय का अच्छा स्टॉल बना लिया, और चाय के साथ साथ ये पराठे वगैरह और जूस वगैरह भी लगाता है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इस पर इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट आई और ये कितने साल से काम कर रहे हैं, और अगर कोई नॉर्मल सा बंदा ये काम शुरू करना चाहे तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट करके ये काम शुरू कर सकता है। आज नादरीन, जैसा कि आपको बताया इन्होंने इस ढाबे से स्टार्ट लिया था, तो आज इन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको इस काम में कितनी मुश्किलात आई और इन्होंने कितने की इन्वेस्टमेंट की, और आज माशाल्लाह से इतना बड़ा ये ढाबा बना के बैठे हैं। तो इनसे पूछते हैं, जी सर बताएं कि आपने इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितने से ये काम शुरू किया था। ये मैंने 500 से काम शुरू किया था। नाजरीन इनसे सुन लें, इन्होंने सिर्फ 500 से काम शुरू किया था, और आज आपका कितने को का ये बिजनेस है, यानी कि मंथली इधर से कितना आप कमा रहे हैं, और अब तक ये कितने का बिजनेस बन चुका है आपका? 15-20 हज़ार। देख लें नाजरीन, इन्होंने 500 से स्टार्ट किया था और 1.5 से 2 लाख रुपये ये मंथली अब इनके पास इन्वेस्टमेंट है इधर, यानी कि जो इन्होंने कमा के इधर लगाया है और खाते हैं। और आ जाओ, इस टाइम आपको हमने दिखाया कि इन्होंने चाय शाय और साथ में कुछ बिस्किट्स और जूस पराठा ये सारा काम शुरू किया हुआ है। तो अब इनसे पूछते हैं कि ये एक पहले इन्होंने छोटा स्टॉल तो लगाया हुआ था, आपको स्टॉल दिखाया, वहाँ पे इन्होंने कुछ पेंचरों का सामान रखा हुआ था और कुछ चार पाँच बिस्किट रखे हुए थे, तो ये काम स्टार्ट किया, तो इस पर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? ये पराठे का जो चलो ये जो सा आपने पराठे का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस पर आपने कितना इन्वेस्ट किया था? इसमें कोई समझ रहे हो, सिर्फ 5,000। और इधर से कितना कमा रहे हैं आप मंथली? इधर से 2,000-2,500 इधर से कमा लेते हैं, चाय वाले बिजनेस से 2,000-1,500 अलहदा कमा लेते हैं, और ये जो सा जूसेस वगैरह का स्टार्ट किया हुआ इधर से कितना कमा लेते हैं? 1,000 रुपए से काम शुरू किया था और 1,500 रुपए मंथली कमा रहे हैं, यानी कि अगर ओवरऑल बनाया जाए तो ये 5,000 से 6,000 रुपए डेली की दिहाड़ी कमा लेते हैं। ये 4 से 5 भाई हैं और 4-5 भाइयों ने मिलकर काम स्टार्ट किया हुआ है, और ये 4-5 भाई मिलकर इधर से 5,000 से 6,000 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि डेली की अगर इनकी दिहाड़ी बनाई जाए तो 1,500 रुपए एक बंदा कमा लेता है, मंथली 45,000 रुपए एक बंदा कमा लेता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये 5 जने मिलकर 4.5-5 लाख रुपए मंथली इधर से कमा जाते हैं। तो यार जब मुंह कमा सकता है 4.5-5 लाख रुपए तो यार तुम क्यों नहीं कमा सकते, मैनू सिर्फ इना दस दो। अफसोस होंगे साढ़े नौजवानों से जेडे कहें बेरोजगारी बड़ी है, सानू जॉब्स नहीं मिलते, मैं जॉब्स रबन नु किन्ने खिया है, एवें दा एक अच्छा जिहा चाय वाला स्टॉल बना के भाई आवाम तुहाडे कोल भजी आएगी, आवाम चाहती है कि हमें तफरी मिले, लेकिन कोई तफरी देता नहीं इधर। ये इन्होंने दिया सुबह शाम, यहाँ पे आवाम बैठी होती है, सुबह 8 बजे खोखा खोलते हैं, रात को 12 बजे बंद करते हैं, तब तक रश रहता है, और ये आवाम को भगाते हैं कि और भज जाओ असी दुकान बंद कर रही है। यार जो ये बंदे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, कुछ करके दिखाओ। अभी तक ये चाय वाला आइडिया, इंशाल्लाह फिर आपसे एक नए आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक अपने मेजबान को इजाजत दें। वस्सलाम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।